चौधरी प्रीतम सर्वकला समर्थ जगह जगह ते अपने प्यारे गुरसिखां दी रखिया करन हार हिंद दी चादर धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दा 400 साल शताब्दी पुरब प्रकाश पुरब मना रही संगतां नूं लख लख वधाई होवे। सब तो पहला सारिया संगतां दे चरणां विच बेनती है जो हले भी लंगरां विच ट्रालियां जां अपने कैंपां विच हन, रात भी जा के बेनतियां कीतियां सन। बहुत सारिया संगतां सतगुरु की कृपा नाल पंडाल विच पहुँच चुकियां हन, कुछ सहजे सहजे पहुँच रही हैं। सतसंग जी समा सतगुरु की संगत विच बैठ के लाभ लैण दा है, इस वास्ते जिहड़ियां संगतां हले भी नहीं आईयां वो भाई गुरु के पंडाल विच पहुँचो ताँ कि आपां रल मिल के अपने नौवें गुरु जगत गुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दियां बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेण सतगुरु बख्शिश करन। आओ सब तो पहला दास की हाजरी लवाओ, अपनियां भी हाजरियां लवायो ते सारे गज के बोलियो, क्योंकि बहुत सारे किसान भरा कणकां वढ़न गए, आपां उही बीजना उही खाणा, इहदे ते अपना निर्भरता इस गल ते आ। इस गल ते भी बहुत वड्डी तसल्ली आ भी इहदे बावजूद भी लखां ही संगतां बहुत तहम्मल दे नाल हौसले दे नाल संयुक्त मोर्चे दे आगूआं दे नाल डटियां होईयां अपनियां हक्की मंगां लैण वास्ते, उसे तरह जोश खरोश दे नाल बीबियां भी सिंघ भी बच्चियां तक सारे डटे होए। इसलिए आप इसलिए भी वधाई दे पात्र हो ते फतेह भी गज के बुलाउणी आ। सारी संगत दूर तक अपने फतेह दा गजारा जकारा जावे, सारी संगत गज के बुलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो सतसंग जी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का बहुत विशाल इतिहास है, आप विशेष विशेष खास खास बेनतियां सांझियां करांगे। सतगुरु पातशाह जी ने किवें जगत जलंदे नूं तारिया, किन्ना सबर संतोख रखिया, किन्नी उन्हां दे मन विच ठंड सी, किन्ना जज्बा सी, किवें युद्धां दे विच भी जूझे ते किवें जबर दा मुकाबला सबर नाल करके महाराज सच्चे पातशाह जी ने डुबदी हिंद नूं बचाया, हिंदू धर्म नूं बचाया। सो सात संगत धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने एक बचन उचारण किया, दुनिया दे विच बड़ियां खेडां ने, खेडां खेडियां जांदियां ने ते खेडां नूं जित्तण वालियां नूं तगमे मिलदे, भी जिहड़ा खेड जित जाए ना उहनूं सुण तगमे मिलदे ने, वर्ल्ड विच प्रसिद्ध हो जांदे भी फलाना फलानी गेम दे विच सब तों अगे रहा। ते सतगुरु पातशाह जी आप निरंकार रूप, क्योंकि सतगुरु जी आप तां आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो, उन्होंने खेल खेलण दा ढंग वखरा दस्या, क्योंकि आम लोगों वर्गे तो है नहीं सी। आम लोग पहलवानियां करदे आ, कबड्डियां खेडदे आ, नवीं तो नवी बहुत गेमां ने खेडां ने, वो खेडां खेल के बड़ा नाम हासिल कर लेंदे ने, पर धन गुरु नानक साहब ने एक खेल दसी आपां नूं, जिहड़ियां जिहड़ी खेल दसी गुरुआं ने खेली और उस खेल दे उपर फतेह पाई। महाराज सच्चे पातशाह जी
कहते भाई ये जी खेल है ना ये सारा इतिहास आ जाए ना धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का जी ये खेल है इस खेल का जिक्र धन गुरु तेग बहादुर साहब ने भी किया भगत ने भी किया दसम पातशाह जी ने भी किया पंचम पातशाह जी ने भी किया गुरु रामदास महाराज ने भी किया वो खेल की आ महाराज कहते भाई ये खेल हुंदी आ किसी नूं जबरदस्ती कपड़े लवा लो ला तू कबड्डी खेड ला वह कहिंदा नहीं मैं तां कदे खेडिया नहीं कहिंदे कोई नहीं आए हो जूगा भी खिलाड़ी पूरे हो जाणगे तको तक्की दी खेल महाराज कहिंदे भी जिहड़ी आ तुहानूं खेल दसण लगे आ ना ये तो एक बहुत ही पवित्र खेड है ते खेड है प्रेम दी जिहड़ा इहदे चों पास हो गया ते ओ परमात्मा नाल भेदता पा लेगा बड़िया ने कोशिशां कीतियां वख वख धर्मां ने वखरे वखरे राह दसे बहुत कठिन तो कठिन राह दसे ते महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहब कहिंदे भी एक तुहानूं राह दसदे आ भी ये राह ते चलन लग्या कठिनाइयां ते हैगियां पर ये थोड़े समय का कठिन तपस्या वाला खेल का रस्ता है ते सतगुरु पातशाह पातशाह जी ने कृपा की आप सबनों जगत जलंदे ये वंगार के कहा जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ खेल खेलनी आ कहिंदे मन विच चा हैगा जे तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजै कान ना कीजै कहते भाई है प्रेम दी खेल गली का अर्थ है भी इस रस्ते ते आओ इस धर्म च आओ कहते जे तुसी ये खेल खेलनी आ ते फिर इस धर्म की खातर सिर देना पै सकता है ते उहदे एवज दे विच नहीं कहना कि मैं सिरता देता मैनू की फायदा होया मैनू लाभ की होया कहिंदे इहदी कान ना करी इहदा हंकार ना करी मान ना करी इह खेल दा पहला निजम धन गुरु नानक साहब ने दस्सिया भी इह इक खेल खेलण दा निजम है भी जे तू धर्म की खेल खेलनी है मन दे विच प्रेम चाहीदा जिहदे वास्ते कलगीधर पातशाह जी ने फरमाया जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो आओ जिहड़े सतगुरु दा आपां गुरपुरब मना रहे हां उन्होंने भी इस खेल बारे कहा सतगुरु पातशाह जी फरमाते धन गुरु नानक साहब ने जिहड़ी खेल दसी है ना कहिंदे उस्त निंदा दो त्यागा खोजै पद नरबाना जन नानक उह खेल कठिन है किनहूं गुरमुख जाना कहिंदे खेल ते औखी है पर विरले गुरमुखां ने इहनू जान लिया भी इस खेल खेले तो बिना धर्म की दुनिया दे विच पैर रखना औखा है सतसंग जी सिख धर्म जबर दे विरुद्ध रहा शुरू तो ही धन गुरु नानक साहब नूं कहा गया कि तुहाडी उम्र हुण 7 साल की हो गई तो तुहाडे जनेऊ जनेऊ पाउणा है महाराज कहिंदे नहीं नहीं पाउणा सतसंग ते इस जनेऊ नाल संबंध नहीं रखिया महाराज ने जबरी जनेऊ नहीं पाया मैं संखेप विच ही बेनती करदे जाणा नहीं पाया जनेऊ कहिंदे कच्चा जनेऊ है गंदा हो जांदा लिबड़ जांदा मैला हो जांदा धोणा पैंदा टुट जांदा है ते महाराज तुसीं वी पाउणे हो जनेऊ कहिंदे हाँ कहिंदे असीं वी पाउणे जिहड़ा टुटेगा नहीं मैला नहीं होएगा बल्कि साडी आत्मा की मैल ला देवेगा असीं वी जनेऊ पाउणे आ दया कपौ संतोख सोत जत गंढी सत वट इहो जनेऊ जी का है ही ते पांडे घत कहिंदे जनेऊ असीं वी पाउणे सतगुरु पातशाह जी ने जबरदस्ती जनेऊ नहीं पाए आओ हुण धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का जिक्र करिए महाराज सच्चे पातशाह जी दल भंजन गुर सूरमा बड जोधा बहु पर पकारी सतगुरु छेवें पातशाह मीरी पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ते बहुत ही सत्कारयोग माता नानकी जी धन गुरु
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਵਧੀ ਪੰਜ ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 1678 ਨੂੰ ਈਸਵੀ ਸੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 1621 ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਈ ਸ਼ੰਗੋ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਤ ਮੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਪੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਦੇਗ ਵਰਤ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਧਜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਭਾ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਜੇ ਧਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢਕੇਗਾ, ਬੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਉੱਥੇ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਉਂ ਕੇ ਬਾਲਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਛਡਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ,
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ। ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਧ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਕਲਗੀ ਲਾਈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਸਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਸਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਰੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਪਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੰਗ ਤਡੰਗਾ ਹੀ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵਸਤਰ ਸਵਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਬੜਾ ਮਸਤਾਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕਿਆ ਇਹਨੇ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਇਹ ਰੁੜਦੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਡਰ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਰਚਿਆ। ਤਖ਼ਤ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਆਮ ਤਖ਼ਤ 10 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਰਚਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ, ਨਗਾਰੇ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵੀ ਲੜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਗ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਮਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਟਲ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦੋ ਖਿੰਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੋਹਨ। ਲੈ ਵੀ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਈ ਦੇਣੀ ਜੇ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਜ ਖੇਡਦੇ ਆਈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੋਹਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਖੂੰਡੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੋਗ ਪਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਮੋਹਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਿਆ ਮੋਹਨ। ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਮੋਹਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਹਨ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਖੂੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੋਹਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਉੱਠਤਾ। ਅਤੇ ਮੋਹਨ 9 ਪਰ 9 ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਲ ਖੇਲੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਇੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ, ਧੰਨ ਕਲਗੀ ਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਨੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਜੰਮਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ।
महाराज ने कहा कि हुण एक म्यान च दो तलवारां नहीं पैणी, हुण जे तूं इस जगत विच रह ते जां असीं रहिंदे। एक मिनट वास्ते साध संग सोचियो कि अपने पुत्र लई महाराज ने इन्ने कड़े शब्द क्यों वरते। बड़ा वड्डा कारण है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने थां थां ते वरते, सतवें पातशाह जी ने अपने साहबजादे वास्ते वरते, राम राय नूं कहा जिधर मूँह चले जा। पर वड्डियां सिक्ख्यावां ने मगरे दे सतगुरु पातशाह जी ने इस वास्ते कहा है, कोई भी गुरु घर का साहबजादा कल नूं करामातां विखाउण लग जाएगा, अपनी गद्दी ला के बह जाएगा, कोई वड्डा लीडर होवेगा, वह वड्डे लीडर का पुत्र होने के नाते ही दुनिया नूं अपना रोब दिखाएगा। महाराज ने प्रथा बंद करनी सी, ये नहीं सी महाराज नूं कोई अपने पुत्र नाल कोई द्वैत सी, नहीं, एक रस्ता साफ करना ही सिखी का, बहुत वड्डा उपदेश देना सी। बाबा टल राज ने हाथ जोड़े, पिता जी गलती हो गई, मैं गलती सुधारांगा, पर मन में फैसला कर लिया कि गुरु साहब ने जो ये बचन कहे है ना, ये दुनिया के मालक पता नहीं किन्नी लुकाई का भला करना है, मैं इन्हों के बराबर की हाँ। महाराज ने अपने बराबर कहा भी जे तू रहेगा जे मैं रहांगा, ये तो हो ही नहीं सकता। हरिमंदर साहब तो थोड़ी दूर ही उदो बहुत दरख्त घने दरख्त होया करते सन, सतगुरु पातशाह जी दे साहबजादे बाबा टल राय जी जिथे गुरद्वारा बाबा टल बनया ना, इस जगह पर दरख्त सीगे, इत्थे चादरा लैके पै गए तो अपने सुवास त्याग दिते। सतसंग जी कर सकता कोई है मर्जी ना भी आप चादरा लैके पै जाए तो पूरा हो जाए, ये भी गुरु की कृपा। साध संग जी उस वेले धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की उम्र 7 साल की सी, महाराज के मन के उपर गहरा असर होया, माता नानकी दे भी होया, मेरा पुत्र करने वाला सी जो बचन कहिंदा सी पूरा हो जाता सी। ते एक दिन माँ की ममता हुंदी है सतगुरु के पास जाके कहा, स्वामी मालक जी मेरे पुत्र तो वग्या हो गई, आप जी ने बड़े करे बचन कहते, अजमत का मालक सी, अजमत नूं समझदा सी टल राए, आ मेरा पुत्र तेग बहादुर ते भोला है। धन गुरु मीरी पीरी दे मालक कहिंदे नानकी जी अजमत दिखाउणी नहीं, करमत दिखाउण वास्ते तमाशा करन वास्ते नहीं हुंदी, तू याद रखी ये तेरा पुत्र तेग बहादुर करामात दिखाएगा नहीं पर दुनिया दियां करामातां नूं फेल कर देवेगा, एक ऐसा साका करेगा जिथे करामात दिखाएगा नहीं पर करामातां तो घट नहीं होवेगा, करामातां थले रह जाणगे। माता नानकी नूं आस बन गई, मन विच भरोसा होया ते फिर हाथ जोड़े, सतगुरु जी की मैं समझा कि ये मेरा पुत्र छोटा है, उम्र में सब तो छोटा है, मैं समझ लवां कि धन गुरु नानक साहब जी की गद्दी दा एक दिन मालक बनेगा। सतगुरु ने सहज सुभाए बचन कहे, नानकी जी जिहड़ा भी घालना घालदा है, जिहड़ा भी नाम सिमरन में प्रवीण हुंदा है, सतगुरु नाल जुड़ जांदा है, ये गुरु घर उहदे उत्ते बख्शिशां कारी दिंदा है, इस वास्ते समा आएगा जिवें जिवें भी इहदी घालना होएगी उहनूं भाग लगणगे। साध संगत समा बीतिया, सतगुरु पातशाह जी दा जिवें जिवें समा बीतिया देखो किन्ने परखां दे विच्चों गुरु साहब निकले। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दा गुरु दे नाल रहना, चौथी लड़ाई दे विच महाराज सच्चे पातशाह जी ने घमसान का युद्ध भी लड़िया, उदो 14 साल की उम्र सी महाराज की, जो करतारपुर का युद्ध होया ना, ते पेंडे खां नमक हरामी बन गया, काले खां नाल आया,
साध संगत वड्डियां फौजां चढ़ के आईयां। उस युद्ध दे विच सतगुरु पातशाह जी ने बहुत घमसान दा युद्ध लड़िया ते वड्डे वड्डे योधियां ने कहा मीरी पीरी दे मालक ने जो नाम रखे ना तेग बहादुर, वाकई तेग बहादुर तेग दा धनी आ। समा बीतिया साध संग जी बाबा गुरदत्ता जी दे साहबजादे वड्डा सीगा धीरमल, ओ इरखालू सी क्योंकि परखां दे विच पूरे उतरने चाहीदे सी। महाराज ने यह सारिया जिहड़ियां विवतां जिहड़ियां घाटां घड़ियां जिहड़े कौतक दिखाए सानू वड्डियां सिक्ख्यावां दित्तियां। तो उदू छोटे सी हर राय साहब बाबा गुरदत्ता जी दे दूसरे पुत्र साध संग जी उन्हां दा गुरु साहब दे उपर अटल विश्वास भरोसा। सत बचनीए कोई बचन करना तत्शण उन्होंने हाजिर रहना। छेवें पातशाह बड़े दयालु है, बड़े कृपालु, बड़े खुश प्रसन्न होए उत्ते। ते जो कीरतपुर शहर विछाया ना कस्बा विछाया इहदी वसों वास्ते भी बाबा गुरदत्ता जी की ड्यूटी लगी सी। इतिहास लिखता है कि बाबा गुरदत्ता जी का चेन चक्कर उन्हां दा सरूप उन्हां दा चेहरा चेहरे की बनतर धन गुरु नानक साहब नाल मिलदी सी। इस वास्ते बाबा श्री चंद जी मंग के लै गए सी धन गुरु छेवें पातशाह जी तो। सो कीरतपुर साहब दे विच विचरदिया होया जिथे धन गुरु तेग बहादुर साहब भी नाल है, बाबा सूरजमल भी नाल है, साध संग जी सतगुरु पातशाह जी ने खुशियां दे विच आ के बाबा गुरदत्ता जी दे साहबजादे नूं सतवें थां ते चोण कर लई कि साढ़े तो बाद धन गुरु नानक साहब की गद्दी दे वारस गुरु हरराय साहब होणगे। ते सारा प्रबंध करके सतगुरु जी ने उत्थे गुरता गद्दी की रस्म की जिथे धन गुरु तेग बहादुर साहब भी नाल ही सी, माता नानक जी भी नाल सी, ते बाबा बुढ़ा जी दी कोल विचों भाई भाना जी उन्हों कह के तिलक दी रस्म की ते गुरता गद्दी दित्ती। ते महाराणी तों हुक्म किया ना सतगुरु ने आप भी नमस्कार की, मर्यादा सी ते सब नूं कहा भाई अज तो बाद जिहड़ा इन्हां ते भरोसा करेगा इन्हां दे हुक्म विच चलेगा वह सुख पावेगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी जिन्हां दे भतीजे लगते सी उन्होंने उठ के नमस्कार की, माता जी ने की, सारे परिवार ने गुरु साहब का हुक्म मन्या। सतगुरु पातशाह जी उस तो बाद आप ते बाबे बकाले आ गए। बाबे बकाले आ के बड़ा समा इत्थे उन्होंने जाप किया, सिमरन किया, परमात्मा प्रभु की भगती की बड़ा चिर की। उन्हां तो बाद साध संगत इतिहास लंबा है जदों गुरु हरराय साहब के साहबजादे वड्डे साहबजादे राम राय जी से राम राय की 15 साल की उम्र सी जदों औरंगजेब ने क्योंकि घर दे विच ही बड़ा वड्डा विरोध सी, ये भी सानू एक सिख्या सी कि भाई जे सके भैन भरा अपना कबीला विरुद्ध भी हो जाए ना तो सिखी नहीं त्यागनी, गुरु साहब तो बेमुख नहीं होना, महाराज नाल जुड़े रहना है, ये सानू एक वड्डी सिख्या सी महाराज की। सो पिरथी चंद वर्गियां दी मेहरबान मेहरबान वर्गियां दी चकणा दे उपर औरंगजेब ने सतवें पातशाह नूं दिल्ली सद्या। सतवें पातशाह जी ने सारिया की एक मीटिंग बुलाई जिहदे विच धन गुरु नानक साहब की अंश बंश, गुरु अंगद साहब की अंश बंश, गुरु अमरदास महाराज की अंश बंश सारे सदे सियाने सियाने पूछिया भी की होना चाहिए। तो जदों बाबा राम राय ने पूछया भी तू दस, वो कहिंदा भी कोई गल नहीं जे सद्या औरंगजेब नूं जाना चाहिए, कहिंदे बड़ा जालम है बड़े जुल्म करदा, आपां उहदियां रोज़ कहानियां सुणदे आ, उहदे जुल्म की कोई घटना छुपी हुई थोड़ो है। वो कहिंदा कोई गल नहीं गुरु नानक का दर थोड़ा डरन वाला है, आपां नूं जाना चाहिए।
फिर सियाने सियाने ने कहा भी तू चले जा, वो कहिंदा मैं चले जाना है पर पिता गुरु गुरु हर राय साहब मेरे सिर ते हाथ रखण, मैनू थापड़ा देन, मैनू शक्तियां देन, क्योंकि उत्थे गल विचारां दी नहीं, उत्थे गल है शक्ति दी। उहदे कोले आ राज शक्ति ते साडे कोले रब्बी शक्ति, वो शक्ति तो बिना गल नहीं चलनी। ते फिर इतिहास कहिंदा गुरु हर राय साहब ने कहा पुत्रा एक गल याद रखी, धन गुरु नानक दे घर दे उपर रखी भरोसा, गुरबाणी दे उपर निश्चा रखी, ते फिर धन गुरु नानक साहब तेरी रसना ते वसनगे, तैनू किसी चीज़ की कमी नहीं आउंदी, जा तू चले जा। चले गया, बहुत सारिया शक्तियां विखाइयां, पर उन्हां शक्तियां दे विच उलझ के रह गया। ते जदों औरंगजेब नूं ये कहा गया कि गुरु नानक साहब ते मुसलमानी मत दे विरुद्ध सी, उन्हें तां लिखिया है मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पी कमिहार, पुछो राम राय नूं, जदों पुछिया ते थोड़ा जिहा फिसल गया, कहिंदा नहीं ये लिखण वाले तो गलती हो गई होनी है, मिट्टी बेईमान दी किया। सुनिया संगतां दा गुरु साहब कोले आ गया, इहदे विच भी बहुत वड्डी सिख्या। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी ने कह दिता, हालांकि बड़ा लायक पुत्र सी, पर जदों गुरु दे विरुद्ध गुरबाणी दे विरुद्ध होया, जबानी कलामी एक अखर बदल दिता, मारे कहिंदे तेरे च ये शक्ति कित्थों आई, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे घर दी बाणी तू बदल देवे, जा जिधर मूहां चले जाए, तू हुण साडे मत्थे नाल लगी, तेरा साडे नाल कोई वाह वास्ता नहीं। कोई कह सकदा सी, सानू सिखिया सी ये कि बहुते बुद्धि दे मालक बन के कलमां ना चक लियो, भी इत्थे बिंदी लगनी है, इत्थे होड़ा लगना है, भी गुरु अर्जन साहब तो भाई गुरदास जी तो भुलेखा ही लग गया होना है। धन गुरु कलगीधर पातशाह दमदमा साहब सारी भीड़ आप लिखाई, उन्होंने कोई भुलेखा लग गया होना, आप सियाने बन के बह जाने। ये सिक्ख्या दिती सी सत्तवें पातशाह जी ने रहो विचार। फिर अठवें पातशाह जदों समा आया, हले 33 साल ते कुछ महीने की उम्र सी महाराज की सत्तवें पातशाह जी की, पर कीरतपुर साहब दे विच फिर क्या कि जिहड़ा वड्डा पुत्र है वह गुरबाणी दी उल्ट हो गया है, ते भावें उम्र हले छोटी है, छोटे पुत्र श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं महाराज ने गुरता गद्दी दे दित्ती, तां वी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने, माता नानकी जी ने, बाबा सूरजमल जी ने विरोध नहीं किया, बालक उम्र दे विच वी उन्हां नूं मत्था टेकिया, उन्हां दा वचन मन्निया, ते फिर आ भगती विच रहे। ते जदों उसी औरंगजेब ने फिर अठवें पातशाह नूं सद्दिया, ते फिर राजा जय सिंह दे कहण ते महाराज दिल्ली ते चले गए, पर राजे जय सिंह नूं कह दित्ता कि असीं इहदे मत्थे नहीं लगना, बड़ा जालम बंदा है। ते उहने कहा तुसीं फिक्र ना करो, मैं बैठा इत्थे, ये बंगला सी जिथे गुरद्वारा बंगला साहब है, राजा जय सिंह दा घर सी, सत्संग इत्थे गुरु साहब ठहरे। बड़े स्नेह भेजे औरंगजेब ने, महाराज कहिंदे नहीं मिलना इहनूं। ते फिर उन्हूं पता भी गुरु घर अजमतां दा घर है, इन्हां दे वड्डे ने आके वड्डे भरा ने सानूं इन्नियां अजमतां दिखाईआं, ते इह ते गुरु नानक दी गद्दी दा मालक है, इस वास्ते आप चल के आ गया। ते बाबा दरगाहिए नूं कहा दरवाजे बंद कर दे, इहदे मत्थे नहीं लगना, साध संगत जिहदे दर ते जा जा के खलोंदा सी ना राम राय, अज वह औरंगजेब बादशाह 8 साल की उम्र के गुरु हरकृष्ण साहब जी दर ते आके खड़ा, भी मैनू दर्शन दे दे, महाराज कहिंदे नहीं तैनू दर्शन नहीं देने। साध संगत जी बहुत चेचक फैल गई, बीमारी फैल गई, महाराज ने दुनिया का आधार किया, तो क्या गुरु के सिखां ने कह दिता जिहड़ा भी चरनामत लाएगा वह राजी हो जाएगा। साध संगत भीड़ां इन्नियां वध गईआं, गुरु के सिखां ने चबच्चा बनाया, अज भी बंगला साहब जाओ ना तो बंगला साहब गुरद्वारा साहब चबच्चे जो पानी पिलाया जाता, हुण भी अमृत छकाया जाता, हो दुख दूर होंदे ने हुण भी,
साध संगत ओहदे विच चरनामत लैके गुरु साहब का चवचे च पाया गया, लखां लोक राजी होए। सतगुरु पातशाह जी ने अपना वचन पगाउण वास्ते केस पापी दे मत्थे नहीं लगना ते बाबा दरगैया नूं सद के साध संग जी गुरता गद्दी का सारा समान दे के आप महाराज सच्चे पातशाह जी ने कह दिता कि बाबा बकाले है, बाबा बसे बीच बकाले, अपनी संगत आप संभाले। हुक्म करके सतगुरु पातशाह जी आप ज्योति जोत समा गए। तो हुण ये संगतां दिल्ली तो चल के कीरतपुर साहब होंदे हुए बाबा बकाला पहुँचे। बाबा बकाला दे विच पहुँचे जदों माता नानकी जी नूं सारा ये इतिहास दस्या, माता जी ने फिर भी बहुत सियाणप दे नाल धन गुरु अमरदास महाराज की बंश नूं सद्या, धन गुरु अंगद साहब की बंश नूं सद्या, सियाने सियाने सिख सद के फिर गुरता गद्दी दा तिलक दिता धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। फिर भी सतगुरु पातशाह जी ने कहा बाबा दरगाइया जी जदों आप अंदर भोरे च प्रवेश होए ना गुरता गद्दी लैके जानी जान गुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब जी उठ के खड़े हो गए। जानते सन कि धन गुरु नानक की गुरता गद्दी आई है। जदों गुरता गद्दी मिल गई कहिंदे हाले सानू गुप्त रखना है, सानू प्रगट नहीं करना। पर साध संगत चार सपेरे मंजियां लग जा जदों ये पता लगा कि गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा है कि बाबा बकाले है जिन्हें गुरता गद्दी का मालक बनना है। तो कुछ तो रिश्ते च बाबे लगते सी, कुछ अपने आप को छोटी उम्र च बाबे घुमाउण लग पैंदे आ, मंजियां डालियां कुछ सोढ़ियां ने ते कुछ होरना ने भी डालियां, नाल 22 मंजियां डालियां। कई महीने बीत गए, संगतां भुलेखियां विच पईयां होईयां किथे जाण। ते उधरों भाई मखण साह दा जिहड़ा वड्डा शाहूकार सी इक, उहदा जहाज बरेती दे विच समुंदरी जहाज फसिया, उहने अरदास कीती धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आप कृपा करो, मैं दसवंध की माया आपके दर ते लियावांगा, कृपा करके मेरे ते रहमत करो। जहाज बने लगा, बहुत फायदा होया व्यापार विचों, 500 मोर दसवंध की कढ ली। तो हुण जदों आ लभदा लभदा आया पता लगा गुरु साहब कित्थे आ, कहिंदे बाबे बकाले आ। उत्थे पहुंचिया ते कई ठग बैठे कच्चे गुरु अज वर्गे बैठे ना थां थां ते बने, उह उदों ही बह गए। बड़ा सियाणा सी मखण शाह, परख कीती इतिहास लंबा, साध संग दो दो मोहरां दसियां वी जिहड़ा मिथों पूरी मंगेगा ना वी पूरी दसवंध की माया दे मैं उहनूं समझ लवांगा पूरा। बड़ियां अपनियां सिफतां करन वी आ साडा गुरु बड़ा सच्चा है, बड़े बेड़े पार कर देवेगा। ते जदों साध संग जी ये पिरथी कोले गया, धीरमल कोले गया, जिन्हां जिन्हां कोले वी गया, वाहिगुरू पिरथिया नहीं सी उदों, धीरमल कोले गया ते उहनां दे बड़े उहनां ने सिफतां दे पुल बन्ने, बड़ियां आशीर्वादां दित्तियां, तेरा व्यापार वधेगा, तेरा बेड़ा पार होवेगा, परलोक च रख्या होगी। पर उहने चेहरा तकिया भी इहदे चेहरे ते कोई जलाल नहीं, इहनू मेरे बारे कोई पता नहीं, मेरी मनोकामना की है। मक्खण शाह जी दे कोल भी जांदा कहिंदा महाराज मेरे दिल दे भरम दूर करो, कृपा करो। वचन इन्ना ही करदा, मोहरां दो ही दिंदा। नाराज हो गया, फिर पता लगा भी एक भोरे विच भी गुरु की अंश बंश दा बाबा एक रहिंदा है, उत्थे गया। माता जी तो टाइम लिया माता नानकी जी तो भी असीं मिलना चाहुणे आ, कोई नहीं भाई आओ। माता ने प्रेम दे नाल जल पानी छकाया, गुरु साहब नूं मिलाया, दो मोहरां रखियां ते नाल अरदास कीती महाराज दिल दे भरम दूर करो। संगतां भुलेखे विच ने, बहुत अंधकार वरत्या होया। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने मक्खण शाह वल वेख्या, कहिंदे मक्खण शाह गुरु नानक दे घर नूं माया की कमी नहीं, पर सिख दे मन विच भी खोट नहीं आउणी चाहीदी। तू सुखिया सी कि मैं दसवंध की माया देवांगा, दसवंध की माया दो मोहराइयां ढैपिया चरनी, सारी माया ढेरी कर दित्ती। ते फिर उस भोरे दे उपर चढ़ के पल्लू फेर दिता, भुलियो संगतो गुर लाधा रे, लभ पिया गुरु सच्चा। संगतां दी पीड़ लग गई,
साध संगत उस तो बाद भी इन्हां मीणियां ने हरजी ने ते धीरमल वर्गियां ने गुरु साहब ते सिद्धियां गोलियां चलाईयां इन्नी फुट सी पर शांति दे पुंज धन गुरु तेग बहादुर साहब ने किसी की परवाह नहीं की। धन माता नानकी जी ने बेफिक्र होकर गुरसिखी के प्रकाश प्रचार का बीड़ा चुकया। महाराज सच्चे पातशाह जी ने उत्थों निकल के दखण तक दे विच प्रचार किया। वड्डे वड्डे राजां दीआं सुलां कराईआं जिथे जिथे धन गुरु नानक साहब गए सी मीर पीरी दे मालक गए सी उन्हां संगतां नूं फिर संभालिया प्रचार किया। प्रचार करद्या करद्या जिवें महाराज ने लिखिया ना जदों इलाहाबाद गए महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखिया कि मेरे माता पिता ने बहुत तपस्या की ते तपस्या करद्या करद्या उन्हां ते परमात्मा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो के ते फिर मेरा अवतार होया ते होया किथे कहिंदे जिथे त्रिवेणी इलाहाबाद उत्थे मैं माता दे गर्भ विच आया ते फिर पटना साहब विखे मेरा प्रकाश होया। महाराज स्पष्ट लिखिया तात मात मोर लख अराधा बोबिद योग साधना साधा ए बिद करत तपस्या भयो। कहिंदे भाई जदों ए तपस्या करद्या करद्या गुरु जी प्रसन्न हो गए ना ते फिर मेरा अवतार होया। रहो विचार साध संग जी उधर दा दौरा करके गुरु साहब सच्चे पातशाह जी फिर वापस आनंदपुर साहब वापस आ गए। ये बहुत वड्डा दौरा सी 7 साल का महाराज का सफर सीगा। रहो विचार महाराज सच्चे पातशाह जी फिर आनंदपुर साहब आ गए। आनंदपुर साहब दे विच रौनकां परत आईआं इन्ना चिर गुरु साहब के दर्शनों तो बिना संगतां सी भीड़ां लग गईआं गुरु की संगतां दूर तक आउण लग गईआं ते ये ईरखा बस लोग फिर उबल लगे ते दूसरे पासे औरंगजेब का जिहड़ा राज सी जिहने अपना पिता कतल किया जिहने भरा कतल किए पिता नूं कैद करके भरावां दे सिर वढ वढ के ईद दे दिन पिता नूं पेश कीते सी इहने एडा जालम सी। सो इहने जन्यू लाउणे शुरू कर दित्ते कि सारे हिंदू खत्म कर देने ते जदों इस पासे इन्ना डर फैल गया हिंदुओं ने बड़े देवी देवते मन्ने मनाए कितों आसरा ना मिलिया। फिर आसरा लभदियां लभदियां कुछ सियाने बंदे हर धर्म च हुंदे ने फिर लभदे लभदे कृपा राम की अगवाई विच सैकड़ियां की गिणती विच पंडित आ के आनंदपुर साहब धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों में हाजिर होए अपनी विथ्या सुनाई। विथ्या सुन के सतगुरु पातशाह जी गंभीर हो 9 साल की उम्र सी धन गुरु तेग गुरु गोबिंद सिंह महाराज की गोबिंद राय खेलता खेलता वही बाहरों आ गया सभा चो भी चलिया गया तो इन्हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के मामा जी कृपाल चंद जी होर गुरसिख वो भी आ गए। पूछया महाराज ये बड़े गंभीर चिंता दे विच ने ते आप भी डूंघियां विचारां विच बैठे हो की कारण है। महाराज ने बड़ी धीरज नाल दस्या सारिआं नूं जिन्हें बैठे सी ना कहिंदे भाई दोने पासे माड़ी गल है एक ते राजा पाप करदा है जुल्म करना ते डरा के धर्म तब्दील करना ये एक बहुत वड्डा गुनाह है ते दूजे पासे ये लोग जिहड़े आ इह डरे बैठे डरना भी गुनाह है इन्हां नूं डरना नहीं चाहीदा इन्हां नूं मुकाबला करना चाहीदा है डटना चाहीदा है डरना भी गुनाह है क्योंकि इन्हां दे विच ज्ञान नहीं। महाराज ने फिर जाके ये बाणी अगे विचारी ना पैका हूं को देत न पैमान त्याण कहिंदे क्योंकि कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखाण ज्ञानी हो आ जदों ये बचन कहे तो कहिंदे महाराज दा भला किवें हो कहिंदे निर्जंद हो चुकी कौम नूं हुण एक पवित्र खून की लोड़ है ताए जोंदी रह सकती नहीं तो यह निगर जाएगी। तो 9 साल की उम्र में कहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज पिता जी गुरु नानक की गद्दी तो कोई होर खून भी पवित्र हो सकता है आप नौवीं जोत हो महाराज तुहाडे तो पवित्र खून किहड़ा हो सकता है आप कृपा करो इन्हों की बांह फड़ो क्योंकि गुरु साहब का दर है जो शरण आवे तिस कंठ लावे ये बिरद स्वामी संदा। सतगुरु ने शाबाश दिती क्या कि तूण परख दे विच पास है फिर सिख इकट्ठे किए उत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी ने मैं संखेप विच बेनती करा समा हो गया साध संग जी गुरता गद्दी दे दी
9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तो आप उन्हें पंडितों को कह दिता जाओ औरंगजेब को कह दियो कि जे हिंद का पीर तेग बहादुर मुसलमान बन जाए तो असी सारे अपने आप ही मुसलमान बन जावांगे। बड़ी वड्डी धीरज ये कहण दा अर्थ की सी गुरु साहब भी समझते सी तू भुल थोड़ी सी पर बहुत वड्डी जिम्मेवारी महाराज ने अपने सिर ते लै ली। चले गए कश्मीर के गवर्नर नूं जाके कह दिता कि आ बचन है उन्हें एक अहदनामा लिखाया कि सैन करो इत्थे अहदनामा लिख के सैन करके औरंगजेब नूं भेज दिता। कहिंदा बड़ी चंगी गल इन्हां दे खानदान नूं मैं जानदा मना लवांगे किवें ना किवें ऐदीए भेजते जाओ गुरु तेग बहादुर साहब नूं लैके आओ। ऐदीए आए आके औरंगजेब का हुक्म सुनाया महाराज कहिंदे वी तुहाडा हुक्म तुहाडे बादशाह दा पहुँच गया मैं पहले ही तैयार हाँ तुसीं जाओ मैं पहुँच जावांगा दिल्ली औरंगजेब नूं मिलांगा आके समझावांगा इस मसले का हल करांगे। तो सतगुरु पातशाह जी ने उस दिन तो प्रचार आरंभ दिता। महाराज ने फिर जल्दी नहीं क्योंकि सिखां दे विच भैना पैदा हो जाए कि गुरु तेग बहादुर साहब नूं कतल करता हुण की बनूंगा। यह प्रचार किया महाराज ने गुरु के सिखो किसी तो भैन पै खाना नहीं किसी नूं पै देना नहीं यह पशु बिरती हुंदी है किसी तो डरन की लोड़ नहीं परमात्मा जो करता उही करता है। तुसीं वेखोगे कि जुल्म नूं जिन्ना जालम वध फैलाएगा वो जुल्म करन वाले दा पापिया के मारने को पाप महाबली है। तुसीं वेखियो तेग बहादुर गुरु दसवें पातशाह दी तेग दे सामने अड़ नहीं सकणगे पर असीं हुण डुबदी हिंद नूं बचाउण वास्ते अपना बलिदान देवांगे। ये प्रचार किया महाराज ने तां कि एकदम कोई अफड़ दफड़ी ना मच जावे। बहुत सारिया सिख संगतां विच प्रचार करदे महाराज आगरे पहुंचे क्योंकि दो राजधानियां होंदियां सी महाराज नूं पता लगा कि दिल्ली विच नहीं है औरंगजेब महाराज आगरे पहुंच गए। आगरे पता लगा भी इत्थे भी नहीं है तो फिर महाराज ने उत्थे गिरफ्तारी दे दित्ती। गिरफ्तार करके महाराज नूं दिल्ली लिआंदा गया। कई कहिंदे ने लिखारियां ने लिख दिता भी औरंगजेब नूं तां पता नहीं वो तां उत्थे है नहीं सी। नहीं भाई औरंगजेब नहीं सद्दिया सी। औरंगजेब ने तीन मुलाकातां होईयां। पहली मुलाकात विच पहला बड़े आदर सत्कार नाल क्या क्या चंदन की चौकी है गुरु साहब तुहानूं बड़े आदर दे नाल मैं इत्थे बिठाउंदा हाँ पर मैं तुहाडे नाल कोई जरूरी बचन करन वास्ते तुहानूं सद्दिया है तुहानूं सारे हिंद दा वली पीर बना देना। महाराज साहब समझदे सी कहिंदे दस की करना चाहुणा है कहिंदा मैं सारे हिंद दे विच इको धर्म रखना है इस्लाम यह सच्चा ते सुच्चा धर्म है। महाराज ने बड़ी धीरज नाल कहा औरंगजेब आपां परमात्मा नालों सियाणे नहीं रब ने जिन्हों जिथे पैदा किया है वही चंगा है। इस वास्ते धक्के नाल धर्म तब्दील करना बड़ा वड्डा गुनाह है। तो फिर कहिंदे ऐ कर गुरु घर दे विच बड़ियां वड्डियां करामातां दा घर है गुरु घर सानू करामात दिखाओ। महाराज कहिंदे ये भी एक कहर दा नां है अपनी जान बसाउण वास्ते नाटक चेट की एक चाजा प्रभ लोगण के आवै आवत लाजा। कहिंदे सानू तो शर्म आउंदी करामातां दिखाउंदिआं नूं कहिंदे फिर शहीद होना पवेगा। कहिंदे कोई गल नहीं ना तेरे वस है ना मेरे वस है जो करतार ने लिखिआ है उवें होणा है। बड़ा हैरान होया भी ना ये डरदे ने ना ये भै मंनदे ने ना ये धर्म तब्दील करन नूं मंनदे ने। इस तरह दीआं तीन मीटिंगां होईआं। फिर एक दिन भाई मती दास थोड़े रोह विच आ गए हाथ जोड़े क्या धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी जे आप जी ने करामात नहीं ना दिखाउणी मेरे ते करो कृपा मैं करदा सीधे इन्हां नूं इहदे जुल्म दा मैं करूं नाश। महाराज कहिंदे भाई मती दास बदले दी भावना तेरे च पैदा हो गई। बदले की भावना गुरसिख दे विच पैदा नहीं होनी चाहीदी। कोई गल नहीं आपां जो पर्ण करके तुरे हां उहदे ते दृढ़ रहना है। महाराज एडा जालम महाराज कहिंदे मती दास भाई कित्थों ताकत लई। महाराज कहिंदे तुहाडे कोलों लई सतगुरु आप जी समुंदर हो साडे कोल ते तुहाडे तों किणका लई है। कहिंदे फिर जे समुंदर दे विच छल्लां नहीं उठ रहीआं ते किणका बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा।
फिर ये गल दरोगे ने दस दिती औरंगजेब नू। औरंगजेब ने मती दे दास नू सद्या, क्या तू आ गल कही है? डरिया नहीं, गुरु का सिख क्या कही आ। ते फिर उन्हू आरे नाल चीर के कतल किया साध संगत, पर गुरु के सिख ने सी तक नहीं की। जपजी साहब का पाठ किया ते दोवां फाड़ियां दे विचों जपजी साहब का पाठ पूर्ण होया। फिर भाई सतीदास नू, भाई दयाला जी नू इस तरह शहीद किया रून लपेट के, अते भाई दयाला जी नू देगे चो बाल के। फिर धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी नू कहा, डराउण वास्ते कहा, जिहड़ा जलाद सी ना कहिंदा महाराज मैं जद्दी पुश्ती जलाद हाँ, मैं बड़िया बंदियां नू फतवे दित्ते ने कतल करन दे। अच्छा, ते फिर जिहड़ा काजी सी कहिंदा महाराज मैं जद्दी पुश्ती काजी हाँ, मेरे हुक्म नाले जलाद ने कई बंदे मौत दे घाट उतारे ने। ते महाराज थोड़े जिहा मुस्कराए, कहिंदे मैं भी जद्दी पुश्ती शहीद हाँ। कहिंदे साडे भी दादा जी शहीद होए सी, ते तुहाडे वड्डिआं ने पहला ही फतवे दित्ते तुसीं भी जद्दी पुश्ती हो, तो मैं भी जद्दी पुश्ती हाँ। इस करके कहिंदे औरंगजेब नूं एक गल मैं कहनी चाहुंदा कि तू जिन्ना मर्जी जोर ला ला, जे तां तू मेरा धर्म तब्दील कर लवे ते फिर ते सारे हिंदुस्तान दे हिंदुआं ने मुसलमान बन जाना, पर जे तू अपनी शक्ति दे नाल मेरा धर्म तब्दील ना कर सके ते फिर सारे हिंदुआं नूं तू रिहा कर दे, जुल्म बंद कर दे, इन्हां नूं अपने धर्म विच पक्के रहण दी इजाजत दे दे। बड़ी वड्डी गल सी साध संगत, सतगुरु पातशाह तां शहादत दे गए, पर हिंदुस्तान दी अज जो बनतर है वह धन गुरु तेग बहादुर साहब की बदौलत है। साध संगत अज उन्हां गुरु साहबां दा आपां प्रकाश पुरब मना रहे हैं, सानू बड़ी वड्डी सिक्ख्या मिलती है। सिखां दे गुरुआं ने सानू जुल्म दे विरुद्ध डटना सिखाया है, जुल्म दे विरुद्ध इंतहा कर दित्ती। ठीकर फोर दलीस सर प्रापर पिया कियो प्याण, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनू हुआन। कोई कर सकया? कोई नहीं कर सकया, कोई कर भी नहीं सकेगा। उस गुरु तेग बहादुर साहब दे सिख आपां साध संगत जी, जिन्हां नू राज भाग, जिन्हां दा धर्म बचा के महाराज सच्चे पातशाह जी ने इत्थों तक पहुँचाया, अज फिर उन्हां दे जुल्म दा सानू शिकार होना पै रहा। पर आपां उस गुरु दे सिख हैं, घबरायो ना, गुरु का सिख एक भी नहीं घबराया। किड्डियां वड्डियां जिम्मेवारियां भाई जैता जी ने निभातियां, लखी शाह बनजारे ने निभातियां, साध संगत जी किड्डियां वड्डियां जिम्मेवारियां गुरु के सिख शहीदियां पा के निभा गए। आपां अपनी जिम्मेवारी निभाउणी, इस वास्ते तहम्मल दे नाल, ठीक है तुसीं सर्दियां भी झल्लियां, बरसातां भी झल्लियां, धुंदां दे विच भी बैठे रहे, गर्मियां भी आ गईआं, पर कोई गल नहीं, आपां उसे धरती ते बैठे हैं जिथे गुरु साहब ने सानू यह सबक सिखाए आ। इस वास्ते डटे रहना है, ते जिहड़ी फतेह जाबी है गुरु ने बख्शनी है। रोज़ अरदासां आपां करनियां, जोदड़ियां करनियां कि महाराज आप तां समर्थ हो, आप दे गुरु के सिखां नूं भी ये भरोसा ते ये भावना बख्शी रखियो, ते आप ही कृपा करके सानू फतेह याबी बख्शियो। अखीर विच सारियां देश विदेश दीआं संगतां नूं जिथे जिथे भी गुरु के सिख बैठे ने, अज धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दा आपां रोज़ पढ़दे हाँ, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ ने दिया वै ताए, सब थाई होए सहाय। अपने भी सहायता करनगे, अपने लिए भी सहायक होणगे। अज उन्हां दे गुरपुरब दीआं लख लख वधाईआं होण। दास समूह संयुक्त मोर्चे दे प्रबंधकां नूं इस गल की बहुत बहुत वधाई दिंदा है, जिन्हां ने विशेष प्रबंध करके धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का 400 साल आगमन पुरब प्रकाश पुरब जो दुनिया के सिख संगतां मना रही हैं, तो आप भी इकट्ठे हो के मनाउण दा यतन किया। सतगुरु साडी भी शरदा पूरी अपने चरणों में प्रवान कर लैन, जो भी तिल फुल पे सतगुरु पातशाह जी ने साडे कोलों लिया है, गुरु की संगतां ने हाजरियां भरियां है, सारियां दीआं हाजरियां महाराज अपने दर ते प्रवान करके अपने दर तो सानू सिखी दा कणका बख्श देन, सानू भी सबर संतोख धीरज बख्श देन, ते जुल्म दे नाल सबर नाल लड़न दा महाराज सच्चे पातशाह जी सानू हौसला बख्शन। इन्हां शब्दां दे नाल होईआं बेअंत गलतियां भुल्लां दी
खिमा का जाचक हुंदा होया आप कोलों खिमा चाहुंदा सारी संगत गज के फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ